एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा, एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो जैसे कि अगर आपकी भी न्यूली शादी हुई है और आपकी ये फर्स्ट लोहड़ी है, तो फर्स्ट लोहड़ी काफी खास होती है। ये पंजाबी अटायर मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रखा है ये मैंने वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये लूँगी गुड वाइब्स का टोनर। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। आप ऑन द रेगुलर बेसिस से यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये मॉइस्चराइज़र, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है। मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये ठंड का टाइम है। तो मेरी एक्चुअली थोड़ी सी क्रीम गिर भी गई मेरे सूट में। इसे आप अच्छे से अपने फेस, नेक एरिया में अच्छे से लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद हो, आपके स्किन टोन को सूट करता है, आप वो लगा सकते हैं। एंड अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी, तो उसके लिए मैंने लिया है बायोटिक का ये लिप बाम। ये लिप बाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा थिकनेस है इसकी, बट ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है। एंड अब टाइम है प्राइमर का। सो ये है पर्पल का 20 कैरेट। प्राइमर में थोड़े गोल्डन पार्टिकल्स हैं, तो आपके फेस में एक गोल्डननेस आती है और ये अच्छा लगता है, थोड़ा शाइन प्रोवाइड करता है। इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस में। देन मैं अप्लाई करूँगी मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 220। जैसे कि आपने मेरे पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा, मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आई थिंक मेरा 2-3 बार से ज़्यादा मैंने परचेस कर चुका है। एंड अब इसे मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं आई एम कम्फर्टेबल। आप जब भी फाउंडेशन लगाएं तो अपने नेक एरिया को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो वो काफ़ी अनइवन लगता है। नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अपनी अंडर आई में। डार्क सर्कल्स जैसे रहते हैं तो उसे हाइड करता है ना, आपको अगर कोई भी स्पॉट्स हैं तो उसे ये रिमूव करता है। तो उसे भी एक मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने फेस में। देन मैं अप्लाई करूँगी NYB का कॉन्टोर। ये कॉन्टोर करने से जिसके चबी चीक्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा स्लिम आपके फेस को दिखाता है। और कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जब वो लाइट आती है आपके फेस में तो एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। नाउ मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। अपने सारा फाउंडेशन कंसीलर सबको एक वो सेट कर देता है, सिक्योर बना देता है। नाउ मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर अपनी आईलेड में। ये आई मेकअप करने से पहले आपको एक बेस प्रोवाइड कर देता है, और काफ़ी अच्छे से आप अपना आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो पॉपअप होके कलर दिखता है। इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, इवन बन जाता है आपके, नहीं तो आईज़ के पास ब्लैकनेस नज़र आती है। अब मैं ये आई शेडो पैलेट से लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसे अपने एक बेस के तरह अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद नाउ मैं अनदर आई शेडो पैलेट में से ग्रीन कलर लेके एक ट्रांजेक्शन कलर अप्लाई करूँगी। इसे आप अच्छे से ब्लेंड करिए, टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, मगर जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा ये लगता है। एंड अब मैं ये पिंक कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा था, ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। दोनों आईज़ में आप ऐसे कर सकते हैं। एंड एक्चुअली मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करना भूल गई थी, तो अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मैं काफ़ी लाइट ही फिल कर रही हूँ, आप चाहते हैं आपके जैसे अकॉर्डिंग है आप फिल कर सकते हैं। वैसे भी लोहड़ी का है फेस्टिवल, रात का टाइम है, आप अच्छे से हैवी मेकअप कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्लश। आप ब्लश जब भी अप्लाई करें तो एक स्माइली रखते हुए, स्माइल करते हुए अपने फेस में अप्लाई करें, तो आपकी जो चीक बोन होती है वो हाईलाइट हो जाती है। एंड उसके बाद मैं NYBA का काजल अप्लाई कर रही हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट काजल, ये काफ़ी अच्छा। एंड अब मैं ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में। इसे अच्छे से ड्राई होने दूंगी मैं।
एंड एक आपके लिए टिप है, आप जब भी हाइलाइटर अप्लाई करें तो आफ्टर मेकअप फिक्सर आपको अप्लाई करना चाहिए, उससे आपका हाइलाइटर और अच्छा आपके स्किन में आपकी हाइलाइटेड दिखाता है। ये हाइलाइट के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए। नाउ मैं NY का लिपस्टिक लगा रही हूँ इन द शेड रेड। ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है, और आप न्यूली मैरिड हैं, आपकी फर्स्ट लोरी है, तो आपको डार्क शेड अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने ये चूड़ा पहन लिया है, चूड़ा पंजाबी लुक में कम्प्लीट कर देता है। एक मांग टीका लगा लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग को, लोरी मेकअप। अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हैप्पी लोरी इन एडवांस सबको, एंड बी सेफ। मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।